अगर आप बैंक से अक्सर भारी भरकम रकम का लेन देन करते हैं तो यह खबर खास आपके लिए ही है। दरअसल बाराबंकी पुलिस ने दो ऐसे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो पहले फर्जी ग्राहक बनकर बैंकों में जाते थे, वहां दूसरों की रेकी करते थे, फिर वहां से पैसे लेकर निकल रहे लोगों को सुनसान जगह पर रोकते थे और तमंचा लगाकर उन्हें लूट लेते थे। बाराबंकी पुलिस की टीम ने इन दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लूट के लगभग 1,57,000 रुपए, अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस की संयुक्त टीम ने शातिर लुटेरों सचिन नायर और मुकेश सोनकर को मामा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने बीती 19 अप्रैल को बाराबंकी के देवा के यूनियन बैंक से रुपए निकालकर साइकिल से जा रहे व्यक्ति से सद्दीपुर रोड पर रोककर 30,000 रुपए छीन लिए थे, जिसके संबंध में थाना देवा में मुकदमा दर्ज हुआ और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के लगभग 1,57,000 रुपए, अवैध हथियार, लूट की वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और एक स्टेट बैंक की पासबुक बरामद की है। अभी तक इन्होंने बाराबंकी के अलावा गोंडा, उन्नाव, लखनऊ, बहराइच, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर, सुल्तानपुर, सीतापुर और कई दूसरे जिलों में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। थाना देवा द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया, जो लुटेरों का गिरोह है, सब लखनऊ में हजरतगंज के रहने वाले हैं, सचिन नायर और मुकेश सोनकर, और ये मोटरसाइकिल पे घूमते हुए आसपास के जो जनपद है वहाँ बैंकों में जाना, वारेकी करना और पैसे ले निकलने वालों को पीछा करते हुए सुनसान जगह पे पैसे छीन लेना। लेटेस्ट घटना में 19 अप्रैल को भी देवा में इन्होंने 30,000 की लूट की थी और उसके बाद जब चीज़ें सक्रिय हुई तो इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोतवाली नगर में लूट की गई है बाराबंकी, हैदरगढ़ में 2 लूट की गई हैं, इसके अलावा बहराइच के थाना फगरपुर में, अमेठी के थाना इनौना में, रायबरेली में, लखनऊ में स्वयं में कई लूटें की गई हैं। कुल इनके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं और यह एक शातिर अपराधियों का गिरोह था जिसको पकड़ने में सफलता मिली है और इनके पास से जो बाराबंकी में लूटी हुई थी उसका लगभग 1,57,000 रुपये बरामद किया गया है जो उस लूट से संबंधित धन था और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्णय लेते हुए इनके जो जमानतदार हैं, जो इनके पैरोकार हैं, उनको भी कानून के दायरे में लाने के लिए विवेचना के दौरान साफ संतुलन किया जाएगा।